इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है ओ। सर्कल पे दो पॉइंट्स है ए एंड सी। आर्क ए सी, माइनर आर्क ए सी, सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है एंगल ए ओ सी, और यही माइनर आर्क सर्कल के दूसरे पार्ट ऑपोजिट पार्ट में सर्कल पर एंगल सबटेंड करती है ए डी सी। तो एंगल ए ओ सी हुआ सेंटर पे सबटेंडेड और एंगल ए डी सी हुआ सर्कल के ऊपर सबटेंडेड। हमें ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ए ओ सी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है एंगल ए ओ बी जो कि 60 डिग्री है। यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा पार्ट है एंगल बी ओ सी, ये देखिए बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। अब हमें ये पता है कि एंगल ए ओ सी होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। इसका मतलब हुआ एंगल ए ओ सी हुआ 90 डिग्री। हम ये भी जानते हैं कि कोई आर्क जब सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है तो वो उस एंगल का डबल होता है जो एंगल वही आर्क सर्कल पे सबटेंड करती है। तो सेंटर वाला एंगल इस सर्कल वाले एंगल पे का डबल होता है। ये थ्योरम यहां मेंशन की हुई है, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री डबल होगा इस एंगल का जो है एंगल ए डी सी। तो इसका मतलब एंगल ए डी सी होना चाहिए 45 डिग्री।